नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय खवास। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कल प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म साहू रिलीज हो चुकी है। जिस फिल्म का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो आखिरकार कल रिलीज हो चुकी है। तो हम फिल्म साहू का रिव्यू करने वाले हैं कि फिल्म कैसी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, तो किसी भी एक्टर के फिल्मी सफ़र में एक फिल्म ऐसी होती है जो उसे रातों रात लोकप्रिय स्टार बनाने का काम कर जाती है। उनकी बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्में बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन ने प्रभास को अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई, लेकिन कई लोग उस लोकप्रियता को बनाए नहीं रख पाते। और हमारे एक्टरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती है, कुछ फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। देखते ही देखते साउथ का स्टार देश का सबसे चहेता सुपरस्टार बन गया। ये देखते हुए प्रभास ने फिल्म साहू के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। सुजीत के डायरेक्शन में बनी फिल्म साहू एक साथ 4 भाषाओं में रिलीज की गई। तो क्या ये फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब हुई? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म साहू दर्शकों को पसंद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि लोगों ने फिल्म साहू से बाहुबली से भी ज़्यादा उम्मीदें पाल रखी थी। अब तो दर्शक ऐसे हो गए हैं कि फिल्म में अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स हो तो दिमाग घर पे छोड़ आते हैं। आप हॉलीवुड जैसे एक्शन सीन्स बॉलीवुड की मूवी में देखना चाहते हैं तो फिल्म साहू आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जैसा फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो इस फिल्म में एक्शन ही तो है। तो लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ पर ध्यान मत दो, जाके फिल्म साहू ज़रूर देखो एक बार, तब आपको पता चलेगा कि नेगेटिव रिव्यूज़ सही है या फिल्म अच्छी है। तो इस फिल्म के लिए प्रभास ने 2 साल लगाए हैं। तो सोचो, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार 2 साल में कितनी फिल्में बना देते। 2 साल में वो 8 से ज़्यादा फिल्में बना चुके होते। और बोलना बहुत आसान होता है कि फिल्म ऐसी है, फिल्म ऐसी होनी चाहिए थी, फिल्म ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और प्रभास की भाषा के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदी अच्छे से नहीं बोली है। तो आपने रजनीकांत की पुरानी फिल्में तो देखी होगी, जब उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो उनकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही थी। और साउथ के एक्टर धनुष की जो बॉलीवुड की पहली फिल्म है रांझना, उसमें उनकी आवाज़ कैसी है? ऐसे ही डायलॉग बोलते हुए आपको प्रभास इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। तो पहली फिल्म है, थोड़ी चूक तो रहती है। अब आप भी तेलुगु सीखेंगे तो क्या आप 2 साल में अच्छे से तेलुगु बोलना सीख पाएंगे? 2 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, शायद आप थोड़ी बहुत तेलुगु सीख भी लें। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने 2 साल नहीं लगाए हैं, डायलॉग बोलने में 2 साल नहीं लगे हैं। कुछ खामियां रही हैं, कुछ एक्शन सीन्स ज़्यादा हो गए हैं और कुछ ट्विस्ट थोड़े ज़्यादा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप इस फिल्म को अधूरी नहीं छोड़ पाएंगे। आपको लगेगा आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसके चक्कर में आप पूरी फिल्म देखे बिना तो आप बाहर आएंगे नहीं। फिल्म अगर अच्छी नहीं लगे तो आप अधूरी छोड़ के बाहर नहीं आ पाएंगे। इसमें ट्विस्ट ऐसे हैं कि आप थिएटर की सीट छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो आपने हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स तो देखी ही होगी, उसमें भी ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हैं जो 21 फिल्मों तक चलते रहे। तो साहू को आप इंडियन एवेंजर्स भी कह सकते हैं। तो सोचिए, साहू फिल्म में जो 3 घंटे में ट्विस्ट ख़त्म किए हैं, उन्हीं ट्विस्ट को वो 21 फिल्मों तक चला सकते थे। फिल्म साहू इतनी एक्शन थ्रिलर है कि आप फिल्म साहू को देखने के बाद हॉलीवुड फिल्में देखना भूल जाएंगे। और अगर फिल्म साहू की लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन भी कमाल की है। अगर आपको एक फिल्म टिकट में ऐसी ऐसी जगह पर जाने को मिले जिस जगह पर आप कभी गए भी ना हो, अगर आपको शानदार लोकेशन देखना है तो ये फिल्म ज़रूर देखिए। और अगर आप फिल्म साहू से ज़्यादा उम्मीदें पाल रहे हैं कि ये बाहुबली का 3रा पार्ट है, तो ये फिल्म मत देखिएगा। इस फिल्म को आप बाहुबली का 3रा पार्ट समझने लगते हैं, ये आपकी गलती है। प्रभास को ज़्यादा बजट की फिल्म करने का रिस्क उठाने की बजाय एक लो बजट की फिल्म करनी चाहिए थी, जिसके उनको करोड़ों का ज़्यादा फ़ायदा होता। उससे भी ज़्यादा उम्मीदें लगाकर ज़्यादा दर्शक फिल्म देखने आते और आकर देखते कि एक सिंपल सी कहानी है और फिल्म बहुत अच्छी है। उससे उनकी फिल्म की भी आलोचना नहीं होती और फिल्म सुपर डुपर हिट भी हो जाती। इस फिल्म को बनाने के पीछे लगी कड़ी मेहनत को देखते हुए मैं इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार देता हूँ। और आपको फिल्म साहब कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही और मूवीज़ रिव्यू, सॉन्ग रिएक्शन और ट्रेलर रिएक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।